नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 फॉरेस्ट्री का। उसमें हम फॉरेस्ट्री और उसके ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा डाउट है कि सर कोर्स हमारा टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, दिन में 2 या 3-4 क्लास लीजिए है ना, तो जल्दी हमारा कवर हो जाएगा। बच्चा मुझे भी पता है कि 3 से 4 महीने में मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है आपकी प्री एग्ज़ाम से पहले। प्री एग्ज़ाम के लिए भी मैं 1 महीना आपको फ्री कर दूंगा, दिसंबर में मतलब नवंबर में ही आपके जो है कोर्स ख़त्म कर दूंगा। कोशिश करूंगा अक्टूबर में ख़त्म हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, नवंबर तक जाएगा ही जाएगा। चाहे 3 क्लास भी लूँगा तब भी नवंबर तक जाएगा। मेरा काम यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने का नहीं है कि कुछ तो भी आके पढ़ा के और चला गया PPT के फॉर्म में और फटाफट कोर्स कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं है। पढ़ाऊंगा, सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। टाइम लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने में और आपके सिलेक्शन में कुछ काम आ जाए वैसा मैं पढ़ाऊंगा। ये चिंता छोड़ दो कि सर कोर्स कब होगा कब नहीं होगा, वो सब मेरी समस्या है, मैं उसको पूरा करवाऊंगा। 3 महीने 4 महीने जो भी लगेंगे, लेकिन आपकी प्री एग्ज़ाम के पहले आप मतलब कि नवंबर में कंप्लीट करवा देंगे, दिसंबर में आपकी प्री एग्ज़ाम है। आप साइड बाय साइड आपकी प्री एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। और किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा कोर्स कंप्लीट, टाइम से नहीं हो पाएगा, तो बच्चा आप मेरी तरफ से फ्री हो, मैंने आपको बांध के नहीं रखा है कि आप मैं फ्री पढ़ा रहा था, आप मुझसे ही पढ़े। आप अपनी प्रिपरेशन जहाँ से भी करना चाहे, पेड कोर्स से कोई फ्री पढ़ा रहा है या कोई पेड पढ़ा रहा है, वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, मेरे भरोसे मत बैठिए। मैं अपना कोर्स मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा करवाऊँगा, चाहे जैसे भी करवाऊँ, लेकिन पढ़ाऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि आपके सिलेक्शन में हेल्प हो। अभी मैंने बोला है कि 1-2 दिन रुक जाओ, फिर मैं 1 दिन में 2 क्लास 3 क्लास जितनी हो पाएगी उतनी दूंगा ताकि आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट करवा दूँ। तो आप बच्चे समझते नहीं हो, है ना। तो मेरी तरफ से कोई भी चिंता मत कीजिए, मैं अपने हिसाब से अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा फ्लो में आने दो, मुझे कुछ कंटेंट अपना बनाने दो, फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को एक्स्ट्रा कंटेंट जब मेरे पास बन जाएगा तो मैं 1 दिन में 2-3 क्लास लेना शुरू कर दूंगा, है ना। तो इस चीज़ के बेफिक्र रहिएगा, ठीक। तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है कि कोर्स कब होगा कब नहीं होगा, सब हो जाएगा, आप बस पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। देखो बच्चा, खुद पढ़ता हूँ, खुद रिकॉर्ड करता हूँ, खुद वीडियो को एडिट करता हूँ, खुद ही नोट्स बनाता हूँ, खुद ही नोट्स को हिंदी में भी कन्वर्ट करता हूँ और आपके लिए टेस्ट भी खुद ही बनाता हूँ। इतना सारा काम 1 दिन में 1 लेक्चर का खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती होगी इसके पीछे जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप सोचो कि 2 या 3 क्लास जब मैं लूँगा तो मेरा काम 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कि सोचो कि मुझे रात में भी काम करना पड़ेगा, रात की नींद भी ख़राब करनी पड़ेगी, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस चाहिए तो आपका सपोर्ट और थोड़ा सा पेशेंस आप भी बना के रखिए, ठीक है, सब हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है फॉरेस्ट्री। कल हमने फॉरेस्ट पढ़ा था, फॉरेस्ट क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब आते हैं हम फॉरेस्ट्री पे, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस पे आते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कल मैं आपको ये पढ़ा रहा था कौन सा, फार्म फॉरेस्ट्री, है ना। फार्म फॉरेस्ट्री मैंने पढ़ाया था आपको, फार्म फॉरेस्ट पढ़ाया था। फार्म फॉरेस्ट में एक जगह मेरे से मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या हुई कि मैंने आपको बताया था कि जब ये जो है रो लगी हुई है 2 पेड़ों की, उसके बीच में हम जब क्रॉप्स लगाते हैं तो उसको मैंने रिले बता दिया था, जबकि वो होता है एले क्रॉपिंग। क्या होता है? एले क्रॉपिंग होता है ना। ये मेरी मिस्टेक है, सीली मिस्टेक है, क्योंकि इतना तो हर कोई जानता है एले और रिले क्या होता है ना। रिले जो होता है वो ओवरलैपिंग, उसको हम बोल देते हैं। रिले क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग हम बोल देते हैं, ठीक है। जनरली राइस में करते हैं ऐसा, एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के पहले दूसरी क्रॉप लगाना, ये रिले क्रॉपिंग होता है। यहाँ हार्वेस्टिंग हो रही उससे पहले ही दूसरी क्रॉप की सोइंग करना, ये रिले है। और एले क्रॉपिंग क्या होता है? 2 पेड़ों के रो के बीच में जब हम क्रॉप लगा देते हैं उसको हम एले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये सुधार लेना, वहाँ से मेरी मिस्टेक हुई, एले की जगह मैंने रिले बोल दिया था, ठीक है, इसको सुधार लेना। अब आ जाते हैं हम हमारे फॉरेस्ट्री पर, ठीक है। फॉरेस्ट्री क्या होता है एंड देन उसकी ब्रांचेस। फॉरेस्ट्री कल हमने फॉरेस्ट पढ़ा था, तो फॉरेस्ट हमने पढ़ा था कि जो भी एरिया ऑफ लैंड है, मतलब जो भी भूमि का क्षेत्र है ना, जो पेड़ों से घिरा हुआ है या पेड़ों का जो विशाल क्षेत्र है उसको हमने फॉरेस्ट बोला था। तो अब फॉरेस्ट्री क्या हो गया? अब फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया ये एक साइंस है। फॉरेस्ट्री भी क्या? एक साइंस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी या तो हम क्या करते हैं, पेड़ों की प्लांटिंग करते हैं, पौधों को लगाते हैं, साथ में उसको आप प्रबंधन मतलब उसकी देखभाल, उसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? या फिर प्लांटिंग करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, देन उसकी क्या करते हैं, हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं या उसका प्रोड्यूस होते हैं उसका यूटिलाइजेशन भी हम करते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? द साइंस आर प्रैक्टिस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? द साइंस आर प्रैक्टिस ऑफ
प्लांटिंग, मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्लांटिंग भी करेंगे प्लस मैनेजिंग, क्या करेंगे यहाँ पर हम मैनेजिंग, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी चीज़ का प्लांट, मतलब हमने यहाँ पर एक पौधा लगाया है, तो भैया उसका हमें मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा, और एंड क्या करनी पड़ेगी उसकी, केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो भी वन आपने लगाया है उसकी देखभाल भी करना, उसका प्रबंधन भी करना, और वहाँ पर जो है प्लांटिंग भी करना, मतलब कि पौधों को लगाना। ये जो साइंस है, ये जो अभ्यास है, ये जो प्रयास है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेस्ट्री बोल देते हैं। मतलब कुल मिला के बात हो गई कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं किसका, फॉरेस्ट का, मतलब वनों का निर्माण, मतलब वनों का सृजन करते हैं, उसका कंजर्वेशन मतलब उसका संरक्षण भी करते हैं, उसको हम बचा के रखते हैं, है ना, उसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो साइंस है वो साइंस क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाती है, ठीक है। फॉरेस्ट हमने पढ़ा था क्या, कि वो क्षेत्र जो पेड़ों से घिरा हुआ है, वृक्षों से घिरा हुआ है, उसको हमने फॉरेस्ट बोला। अब वो पेड़ों से घिरा हुआ है, वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है, अब उस पर हमें क्या करना है, उस पर उसका हमें मैनेजमेंट करना, उसका प्रबंधन करना, उसकी देखभाल करना, कब तक करना, उसकी हार्वेस्टिंग तक उसकी देखभाल करना, ये हमारा किस में आ जाता है, फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो साइंस या वो प्रैक्टिस जहाँ पर हम प्लांटिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, और क्या करते हैं, केयरिंग करते हैं फॉरेस्ट की, उसको हम बोल देते हैं क्या, फॉरेस्ट। सेकेंड अगर आप देखो इसको, हम और क्या बोल सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज़ द साइंस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, क्रिएशन मतलब कि फॉरेस्ट का क्रिएशन, मतलब वनों का सृजन करना, मतलब वनों को डेवलप करना, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब उसका निर्माण करना, मतलब उसको संरक्षित करना, उसको बचा के रखना, ठीक है। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट करना उसका, ठीक है, क्या करना, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। एंड अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, प्लांटिंग क्यों कर रहे हैं, उसका कंजर्वेशन, उसको संरक्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उससे हमें उसके प्रोड्यूस चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उसके जो हमें प्रोड्यूस मिलेगा, उसका जो रॉ मटेरियल मिलेगा, उसका जो उत्पादन हमें मिलेगा, उसका हम यूज़ कर सकें, ठीक है। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ देयर रिसोर्सेस, मतलब उसके जो भी रिसोर्सेस संसाधन हैं उनका हम यूटिलाइज कर सकें, उपयोग कर सकें, इसको हम फॉरेस्ट्री कह सकते थे। ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पर हम वनों का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, मतलब उसको संभाल के रखते हैं, मतलब उसका मैनेजमेंट करते हैं, देखभाल करते हैं, साथ में हम वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रबंधन करते हैं, ठीक है, और उसके जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, उसका हम यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, ब्रांचेस की बात हम करते हैं, ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है, वनों की शाखा, ठीक है, वानिकी की शाखा, वनों की नहीं, वानिकी की शाखा, फॉरेस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, वानिकी बोलते हैं, तो वानिकी की शाखा। अब वानिकी की शाखा की बात करें तो कितनी शाखा है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन, तो इसमें आ जाएगा आपका सिल्वी कल्चर, ठीक। नंबर दो आ जाएगा इसमें फॉरेस्ट मेंशुरेशन, क्या होता है बच्चा, आप जानते हो, क्षेत्रमिति, ठीक है, ये भी इसकी ब्रांच है, ठीक। फिर आता है सिल्वी कल्चर सिस्टम, ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिस्टम्स। नंबर चार पे आ जाएगा आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। और नंबर पाँच पे आ जाएगा फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसका उपयोग करना, ठीक। और छठा भी देखा जाओ तो फॉरेस्ट लॉ भी आ जाएगा, लॉ सारे में अलग से आपको पढ़ाऊँगा, लिख सकते हो आप यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस मेनली तो पांच ही है, याद रखना, ठीक है, मेन ब्रांचेस कितनी है, पांच,
सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मेंशुरेशन, सिल्वीकल्चर सिस्टम्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। ठीक, तो वन बाय उसको समझते हैं कि होता क्या है सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मेंशुरेशन, सिल्वीकल्चर सिस्टम, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सिल्वीकल्चर की। सिल्वीकल्चर की यहाँ पर बात करते हैं। देखो सिल्वीकल्चर का मतलब क्या समझना, ये जो सिल्वीकल्चर है ना बच्चा, ये है लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है, कल्चर लगा है तो लैटिन वर्ड है, कुछ अपवाद भी है। तो सिल्वीकल्चर कल्चर से समझ सकते हो, लैटिन वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो होता है सिल्वी, दूसरा होता है कल्चर। ठीक है, एक क्या है सिल्वी, दूसरा है कल्चर। अब सिल्वी का मतलब क्या हो गया बच्चा, सिल्वी का मतलब होता है यहाँ पर फॉरेस्ट, सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, डेवलपमेंट या ग्रोइंग, कुछ भी लिखो। ठीक है, ग्रोइंग लिखो या डेवलपमेंट लिखो या कल्टीवेशन लिखो, कल्टीवेशन टर्म यहाँ पर शूट नहीं होता है, इसलिए या तो ग्रोइंग लिखो या फिर डेवलपमेंट लिखो। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन हमें समझ में आ रही है, और हम अब ब्रांचेस में पढ़ते हैं, जब एग्रोनॉमी भी पढ़ते हैं या एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो वहाँ ब्रांचेस में पढ़ते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर लैटिन शब्द सिल्वी और कल्चर दो शब्द है, सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट, कल्चर का मतलब या तो ग्रोइंग लिखो या डेवलपमेंट लिखो। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सिल्वीकल्चर है क्या, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों का विकास। ठीक है, वनों के विकास को हम क्या बोल सकते हैं, सिल्वीकल्चर बोल सकते हैं, और ये किसकी, फॉरेस्ट्री की ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है हमें, यहाँ पर करते क्या हमें, यहाँ पे हम करते क्या है, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट मतलब क्या, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट मतलब क्या, इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, इट इज प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप। ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप, मेथड ऑफ राइजिंग ऑफ ट्री क्रॉप या फॉरेस्ट क्रॉप्स, मतलब कि ये क्या है, सिल्वीकल्चर एक प्रकार का साइंस है या प्रैक्टिस है या ब्रांच है फॉरेस्ट्री के अंदर, जिसके हम फॉरेस्ट क्रॉप को लगाते हैं, साथ ही हम किस ऐसे मतलब ट्री को लगाने की जो मेथड है, राइजिंग ऑफ मतलब मेथड ऑफ राइजिंग ऑफ ट्री क्रॉप, ट्री को लगाने की मेथड इसके अंदर आती है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ, ठीक है, एंड केयर अप टू द फाइनल हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट का डेवलपमेंट मतलब क्या, मतलब ये है कि ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम कर रहे हैं फॉरेस्ट को लगा रहे हैं, फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट क्रॉप को लगा रहे हैं, मतलब ट्री को, पेड़ों को यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं पेड़ों को लगाने के लिए, क्रॉप को लगाने के लिए। ठीक है, और देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए, देन प्लस आफ्टर केयर, उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, कब तक, जब तक कि हम उसका फाइनल हार्वेस्टिंग नहीं कर लेते। ठीक है, फॉरेस्ट अगर आप डेवलप कर रहे हो, मान लो आपकी एक फील्ड है, वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, ठीक है, ये आपकी फील्ड है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने ट्री लगाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये ट्री लगाओगे, तो ट्री आपने क्या किया, लगाया है ना, राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप। ठीक, आपने यहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज़ की इसको लगाने के लिए, और आप इसकी क्या करोगे, केयर करोगे, कब तक केयर करोगे, जब तक इसको आप फाइनल हार्वेस्टिंग तक नहीं पहुँचा सकते, मतलब फाइनल हार्वेस्टिंग तक ना पहुंच जाए, ठीक, तब तक इसकी आप प्रॉपर केयर करते हो। ये सारी प्रैक्टिस किसके अंदर आती है, सिल्वीकल्चर के अंदर आती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको सिल्वीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर का मतलब सीधा सा है लैटिन वर्ड सिल्वी प्लस कल्चर, सिल्वी मतलब फॉरेस्ट और कल्चर मतलब उसका डेवलपमेंट, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना ही सिल्वीकल्चर है, मतलब कि क्रॉप को लगाना, लगाने की मेथड्स,
प्लस उसकी तब तक केयर करना जब तक कि हम उसको हार्वेस्ट ना कर लें, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिल्वीकल्चर, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच, ठीक है। आगे और डिटेल में इसको समझेंगे। सेकेंड, अब जब हम बात करें इसके अंदर, सेकेंड हम बात करें इसमें मेंसुरेशन, सेकेंड जो ब्रांच है वो क्या है, मेंसुरेशन, ठीक है। सेकेंड ब्रांच क्या है, मेंसुरेशन, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, और आप अच्छे से जानते हो, मैथ्स के अंदर आप पढ़ते हो क्षेत्रमिति है, 2D 3D जो है आप पढ़ते हो। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ट्री, है मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। मतलब कि क्या होता है कि जो हमारा पेड़ है, जो फॉरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका डायमीटर कितना है, ये सारा जो है मेज़र करना किसके अंदर आता है, मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो मेंसुरेशन भी क्या है, फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्री को या फिर फॉरेस्ट क्रॉप को, या तो एक इंडिविजुअल ट्री को, किसी पर्टिकुलर ट्री को, या फिर जितने भी सारे पूरे फॉरेस्ट क्रॉप है उसको हम मेज़र करते हैं। क्या मेज़र करते हैं, उसकी हाइट मेज़र करते हैं, उसकी एज मेज़र करते हैं, उसका इंक्रीमेंट मेज़र करते हैं। हम मेज़र करते क्यों हैं, मेज़र इसलिए करते हैं कि कब हमें उसको हार्वेस्ट करना है मार्केटिंग के लिए। भैया हमें, हमें कोई चीज़ बेचना होती है, तो बेचना है तो हम उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, जब वो पक जाए। तो जैसे क्रॉप के अंदर भी हम देखते हैं ना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर मैच्योरिटी कब आती है, तो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे गन्ने में ब्रिक्स जो है रेशियो हम देखते हैं, मेटालिक साउंड देखते हैं, डल साउंड देखते हैं, तो चेक करते हैं भैया पका के नहीं पका, पक गया तो उसको तोड़कर बेच दो मार्केट में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर मेंसुरेशन मतलब मेज़रमेंट यूज़ करते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका डायमीटर कितना है पेड़ का, उसकी हाइट कितनी हो गई है, है ना, ये सारा, उसकी एज कितनी हो गई है, उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये सारा यहाँ पर जो है मेज़र किया जाता है। इसको बोलते हैं हम मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या है ये, इट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। चाहे प्रोड्यूस भी करो, आपने लकड़ी काटी है तो उसका भी मेजरमेंट हमें देखना पड़ता है कि वो कितनी एज, मतलब कब एज जो है, जो छल्ले बनते हैं, जो रिंग बनती है, उसे पता चल जाता है कि ये कितना पुरानी लकड़ी है ना, डायमीटर क्या है उसका, एज क्या है उसका, इंक्रीमेंट कितना है, सारा। मतलब इसमें हम देखते क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं हाइट, हाइट देखते हैं, है ना, डायमीटर इसका चेक करते हैं, ठीक है, इसकी वॉल्यूम चेक करते हैं, आयतन कितना है, ठीक, देन इसकी एज हम चेक करते हैं, और इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ इसके अंदर हम चेक करते हैं, किसकी, ठीक है, एक इंडिविजुअल ट्री की, ठीक, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक, या तो इंडिविजुअल की करेंगे, इंडिविजुअल ट्री की एंड फॉरेस्ट क्रॉप, एंड फॉरेस्ट क्रॉप, ये सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं ये किसके, या तो इंडिविजुअल ट्री की किसी सिंगल पेड़ की करेंगे, या फिर जितने भी फॉरेस्ट क्रॉप है वो सब ओवरऑल जो फॉरेस्ट है आपने डेवलप किया है उन सब का करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, है ना, आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है, ठीक है, ये आप देख पाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये टोटल हाइट कितनी है, यहाँ पर मेज़र करते हैं कि टोटल इसकी हाइट कितनी है, है ना, ये टोटल हाइट कितनी है पेड़ की, ठीक। फिर इसका आप ये देखोगे, ये डायमीटर इसका क्या है, है ना, डायमीटर भी इसका चेक करते हैं, जो है इसका जो क्राउन है, क्राउन जो है वो भी इसका चेक किया जाता है, ट्री की पोजीशन चेक करते हैं, ठीक है, बेस हाइट इसकी चेक करते हैं, बेस हाइट इसकी कितनी है, ठीक है, एज इसकी चेक करते हैं, कितना पुराना ये पेड़ है, आयु क्या है इसकी, एज की, ये सारा किसके अंदर आता है बच्चा, मेंसुरेशन के आता है, क्षेत्रमिति के अंदर आता है। क्यों करते हैं कि भैया एक तो कंपोजिशन जो संरचना है, स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बना रहे, है ना, जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना प्रॉपर है, फिर हमें मार्केटिंग करनी है, इसको बेचना है, हार्वेस्ट करना है, तो एक प्रॉपर हाइट, एक जो बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड मानक जो है निर्धारित होता है कि इतनी हाइट होगी, इतनी एज हो जाएगी, इतना डायमीटर हो जाएगा, तब हम पेड़ को हार्वेस्ट कर लेंगे या इसको मार्केट में हम जो है बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब ही क्या है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, या फिर जो है फॉरेस्ट की जो ट्री है, इंडिविजुअल ट्री है, या फॉरेस्ट क्रॉप है, फॉरेस्ट क्रॉप है, जो फॉरेस्ट क्रॉप है उसको हम क्या करते हैं, उसकी हाइट चेक करते हैं, उसका डायमीटर चेक करते हैं, उसका वॉल्यूम चेक करते हैं, उसका एज चेक करते हैं, उसका इंक्रीमेंट चेक करते हैं, ये टोटल क्या हो जाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एज उम्र सब ये सारा मेज़र करना,
ठीक है, कैसे करते हैं ये डायग्राम आप समझ गए। हाइट पूरी मेज़र करते हैं, बेस हाइट मेज़र करते हैं, उसकी डायमीटर उसका चेक करते हैं, एज चेक करते हैं, ट्री की पोजीशंस क्या है, क्राउन उसका मेज़र करते हैं, सब कुछ मेज़र यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, ताकि हमें मार्केटिंग करनी है, मतलब मार्केट में इसको बेचना है, तो एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेज़र होना चाहिए कि ये चीज़ें होगी तब हम इसको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो आता है नंबर तीन, जो इसकी ब्रांच है मेजरमेंट के बाद, वो आता है सिल्वीकल्चर सिस्टम। नंबर तीन जो ब्रांच है वो क्या है, सिल्वीकल्चर सिस्टम। अब सिल्वीकल्चर सिस्टम्स क्या होता है, आप सिल्वीकल्चर तो पढ़ चुके हो कि डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट करना, मतलब कि ट्री को राइज करना, ट्री को ग्रो करना, लगाना अलग अलग मेथड्स में लगाना, फिर क्या करना उसका, अलग अलग मेथड्स में लगाने के बाद जो है उसको पूरी तरीके से देखभाल करना, केयर करना, ये सिल्वीकल्चर है। सिल्वीकल्चर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिल्वीकल्चर सिस्टम का मतलब होता है उसकी देखभाल, देखभाल करना, ठीक, उसकी हार्वेस्टिंग करना और न्यू क्रॉप से उसको रिप्लेस कर देना, ये बोलते हैं। मतलब इसमें हम सीधा सा समझ लेते हैं क्या होता है, ये प्रोसेस बाय विच, ये क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच क्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉरेस्ट आर टेंडेड, हार्वेस्टेड या हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टेड एंड रिप्लेस बाय न्यू क्रॉप, रिप्लेस बाय न्यू क्रॉप्स। देखो समझना, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो, टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, ठीक है, देखभाल करना, ठीक, उसकी क्या करना, कटाई करना, मतलब हार्वेस्टेड मतलब क्या करना, उसको रिमूव करना, मतलब कि उसकी कटाई करना, ठीक। अब रिप्लेस न्यू क्रॉप, रिप्लेस न्यू क्रॉप का क्या मतलब है, रीजनरेशन करना, रीजनरेशन करना, ये तीन वर्ड समझ लो, ठीक है, देखभाल मतलब केयर हो गया, रीजनरेशन करना। तो फॉरेस्ट या सिल्वीकल्चर सिस्टम का मतलब है कि मान लो आपने यहाँ पर क्या किया, ये फॉरेस्ट यहाँ पर डेवलप किया, ठीक है, प्लांटेशन किया, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, प्लांटेशन किया, ठीक, ये इस तरीके से आपने अगर मान लो यहाँ पर ये फॉरेस्ट आपने डेवलप किया, अब इस फॉरेस्ट डेवलप किया आपने तो क्या होगा, डेवलपमेंट के बाद आप इसकी क्या करोगे, पहले तो करोगे देखभाल, ठीक है, पहले करोगे आप केयर इसकी, केयर होने के बाद ऐसा समझ लेना, पहले तो करोगे आप इसकी केयर, ठीक, केयर होने के बाद फिर इसको करोगे हार्वेस्ट, है ना, जब ये अपनी मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाएगा, ये अच्छे से मतलब हाइट मेजर वगैरह सब कुछ ठीक रहेगा, हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट के बाद फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, रीजनरेशन, मतलब फिर से पेड़ लगाओगे, फिर से पेड़ लगाओगे, रीजनरेशन, और फिर से क्या करोगे, देखभाल करोगे, ये पूरी साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं हम सिल्वीकल्चर सिस्टम। सिल्वीकल्चर सिस्टम का मतलब ये है कि आपने अगर फॉरेस्ट प्लांटेशन मतलब फॉरेस्ट का डेवलपमेंट किया है, तो पहले आप उसकी अच्छे से देखभाल करोगे, उसको अच्छे से बड़ा करोगे, फिर उसको हार्वेस्ट करोगे, हार्वेस्ट करने के बाद उसको सेल कर दोगे, तो जहाँ पर आपने हार्वेस्ट किया वहाँ पर आप नया पेड़ लगाओगे, ये पूरा सिस्टम है। आप इस डायग्राम से प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सिल्वीकल्चर सिस्टम होता क्या है, क्लियरली आपको विजिबल है बच्चा, है ना, मैं आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है ये, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है, और छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझिए है क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बंदा जो है यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, ये क्या कर रहा है, स्टैंड टेंडिंग, मतलब खड़े खड़े होकर क्या कर रहा है, यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा है, ये देखभाल कर रहा है पेड़ पौधों की, क्या कर रहा है, अच्छे से केयर कर रहा है, मतलब देखभाल करना मतलब कि उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग वगैरह जो भी है उसका मैनेजमेंट, जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ वगैरह ये सब का मैनेज, केयर करने का मतलब यही है ना कि उसको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, है ना, कोई डिजीज़ ना लगे, कोई इंसेक्ट पेस्ट ना लगे, है ना, उसकी प्रॉपर तरीके से थिनिंग हो सके, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग हो सके, प्रॉपर तरीके से प्रूनिंग हो सके, ये देखभाल कर रहा है। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ये बंदा देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद ये जगह खाली हो गई, है ना, ये खाली हो गई, तो यहाँ पर ये रीजनरेशन कर रहा है, मतलब ये फिर से क्या लगा रहा है, यहाँ पर पेड़ लगा रहा है, ये देखो छोटे छोटे पेड़ वापस लगा रहा है, तो ये साइकिल चलता रहता है, इसी को बोलते हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसी को,
सिल्वीकल्चर सिस्टम इसी को बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि सिल्वीकल्चर सिस्टम है क्या। ठीक है, समझ में आया सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या है? ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर हम जो लगाते हैं उसकी केयर करते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर नई क्रॉप लगाते हैं, ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक, एक और डायग्राम इससे आप समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक, हाँ, ये प्री हार्वेस्टेड है। प्री हार्वेस्टेड मतलब हार्वेस्टिंग के पहले कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना, हार्वेस्टिंग के पहले आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर जो मेच्योर हो गए, देखो ये बीच में से यहाँ पर कटिंग कर दी, है ना, ये कटिंग कर दी, जो अच्छे से मेच्योर हो गए थे उनको काट लिया। फिर और जो मेच्योर होते गए थे, सेल्टर वुड सीड कट कर दिया, जो और मेच्योर हो गए उनको काटते गए। फिर रीजनरेशन अकर्स, फिर यहाँ पर रीजनरेशन शुरू कर दिया, देखो नए पेड़ लगा दिए, यहाँ पर नए पेड़ लगा दिए तो रीजनरेशन होना शुरू हो गया, ये नए पेड़ आना शुरू हो गए। ठीक, फाइनल रिमूवल कट्स और जो बचे थे उनको भी यहाँ पर कट कर दिया, तो रीजनरेशन वापस से ये शुरू हो गया, नए प्लांट वापस से बनना शुरू हो गए। मतलब एक पूरा साइकिल है। आप क्या करोगे, आपने पहले क्या किया, उसकी देखभाल करके उसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद फिर उसको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद वापस उसको रीजनरेट कर रहे हो। ये पूरा क्या है, एक सिल्वीकल्चर सिस्टम है। ठीक है, समझ में आपको प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है, वो है फोर्थ नंबर, वो है मैनेजमेंट। नेक्स्ट ब्रांच क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट या खाली मैनेजमेंट भी बोलोगा तो भी चलेगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है बच्चा, अब यहां पर देखो हम मैनेजमेंट क्यों करेंगे, देखो उसका बहुत सारे रीजन है। रीजन क्या है, एक तो हमें इन्वायरमेंट को प्रॉपर बैलेंस रहेगा, फॉरेस्ट मैनेज करने के कई सारे रीजन है, तो इन्वायरमेंट मैनेज रहेगा, हमें आर्थिक लाभ मिलेगा, जो हमारा सोशल है या जो कल्चरल है ऑब्जेक्टिव्स है वो भी फुलफिल होगा। ठीक है, मतलब ये एक सीक्वेंस टेक्निक्स होती है जहाँ पर हमें इकोनॉमिकली जो हमारे एम्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं। क्लियर है, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ इसमें क्या होता है कि हमें क्या चाहिए रिजल्ट। देखो ये डायग्राम आप समझो, फिर मैं लिखवा दूंगा इसके अंदर। ये तो था ना, ये फॉरेस्ट जो है देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से था फॉरेस्ट, है ना, ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से फॉरेस्ट है ये। यहाँ पर जो है बच्चे इंटर भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ भी अनसुटेबल था, ये बिल्कुल अनसुटेबल, कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना, ना कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, क्राउडिंग फॉरेस्ट इसको बोल सकते हैं ना, क्राउडिंग फॉरेस्ट बोल सकते हैं। फिर इसका क्या किया, यहाँ पर मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट क्या मतलब, इसमें कटिंग शटिंग कर दी, कुछ पेड़ को हटा दिया और अलग अलग कर दिया सारी चीज़। जब इसका मैनेजमेंट किया तो जो है कुछ इस तरीके से बन गए, एक तो रोड यहाँ पर बन गया, है ना, यहाँ से बिल्कुल उस तरफ से आप बाहर जा सकते हो, बच्चों के खेलने कूदने मतलब रिक्रिएशंस भी यहाँ पर हो गया, है ना। मतलब ये बहुत घना था, मतलब कि आप यहाँ से इस तरफ से जाओगे तो अंदर बाहर उस तरफ निकल ही नहीं पाओगे, इस तरह इतना घना आप यहाँ पर घूम जाओगे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा घना, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला जंगल है ये, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चे इंटर भी नहीं कर सकते, आप लोग भी अंदर नहीं जा सकते। फिर इसका मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट किया तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, थिन कर दिया इस फॉरेस्ट को। थिन कर दिया मतलब कि एक तो यहाँ से रास्ता निकाल दिया, आप जो है इस जंगल से होकर किसी और जगह पर जा सकते हो। फिर यहाँ पर प्रॉपर रिक्रिएशन मतलब कि आप बच्चे और भी लोग आसपास आकर घूम सकते हो, पिकनिक बना सकते हो, इस तरीके से अब ये सूटेबल है, आप यहाँ पर आ सकते हो, घूम सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर एक तरीके का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट जो है इकोनॉमिकली भी है, ठीक है, कल्चरल भी है और सोशियोलॉजिकल भी है। ठीक है, सामाजिक है या जो हमारा कल्चरल सांस्कृतिक है या जो इकोनॉमिक आर्थिक है या जो पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये एक अच्छा है या जो है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल ये करता है। तो अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या, एक प्रकार का क्या है ये, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस टेक्निक। क्या करते हैं यहाँ पर हम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस टेक्निक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस टेक्निक एंड इकोनॉमिक्स टू फॉरेस्ट स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड
रिजल्ट, ठीक है। जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, जो भी आपको आपके अनुसार जो भी रिजल्ट चाहिए प्रोडक्शन का वो आपको मिल सके, तो ये है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सीधा सा आप डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कैसे हमें फॉरेस्ट मैनेज करना, मतलब ये फॉरेस्ट इस तरीके से है कि यहाँ पर आप ना तो कोई इकोनॉमिक फ़ायदा ले पा रहे हैं, ना तो कोई आर्थिक लाभ हो रहा है आपको, ना ही सोशियोलॉजिकल ना इकोनॉमिकल कोई भी ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है। जब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करोगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक ब्रांच हो गई। नेक्स्ट लास्ट में बात करते हैं यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है बच्चा? यूटिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं, मतलब कि जो टिम्बर है, इसका फ्यूल है, चारकोल है, पल्प वुड है, प्लाईवुड है, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज हमने बोला पहले भी कि क्या है यहाँ पर, तो हम बोल सकते हैं इट डील्स विथ हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल टिम्बर आ जाएगा आपका, लकड़ी आप इसका यूज़ कर सकते हो, आप फ्यूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फोडर यूज़ कर सकते हो, पल्प वुड आप यूज़ कर सकते हो, प्लाईवुड में यूज़ कर सकते हो, ये हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और भी कागज़ बनाने में सब जगह इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आप इसको हार्वेस्ट करो, ठीक है, इसका कंजर्वेशन करो, हार्वेस्ट करो, उसको संरक्षित करो और उसका यूज़ करो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप? लकड़ी में यूज़ कर सकते हो, मतलब लकड़ी आप प्लाईवुड वगैरह बनाने में ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हो, चारे के रूप में आप जो है जो भी इसका रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, पल्प वुड बनाने में यूज़ कर सकते हो, प्लाईवुड बनाने में यूज़ कर सकते हो, कागज़ मेकिंग में यूज़ कर सकते हो, ये सारा क्या है इसका यूज़ है, मतलब हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एक ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, अब बात आ जाती है टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्या है फॉरेस्ट्री के टाइप। देखो कुछ बहुत सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है, फिर मैं नाम लिखवा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा, पहला आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक। सेकंड आएगा आपका कॉमर्शियल आर प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। नंबर तीन पे आ जाएगा आपका सोशल फॉरेस्ट्री, ये नहीं ये बता दूंगा, ठीक है, इसको आगे से वैसे भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री के बाद आपका आ जाएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। और आ जाएगा आपका अर्बन फॉरेस्ट्री के अलावा आ जाएगा आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये इसकी क्या है कुछ टाइप है किसके, फॉरेस्ट्री के। तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री, देखो प्रोटेक्शन वाली बात हमने कल पढ़ी थी, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट पढ़ा था, मतलब प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, है ना, जो भूमि है उसका प्रोटेक्शन करना है, सोयल इरोजन को रोकना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, ठीक है। जो हमारा वाटर साइकिल है जो स्ट्रीम फ्लो है उसको हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। जो क्लाइमेट है हमारा, जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है उसको हमें बैलेंस करना है, ये किस में आता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री, जो कल भी हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर, सेम चीज़ है यहाँ पर। दूसरा आता है आपका ये प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, ये भी हमने कल पढ़ा था, इसको एक और नाम है कमर्शियल फॉरेस्ट्री आप बोल सकते हो। कमर्शियल और प्रोडक्शन मतलब समझ में आता है, कमर्शियल मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इकोनॉमी की बात हुई है, आर्थिक लाभ की बात हुई है, बेचने और खरीदने की बात हुई है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो लकड़ी का उत्पादन होता है, हम फॉरेस्ट क्यों लगाएंगे, फॉरेस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का मतलब कि हम यहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके जो प्रोड्यूस है फॉरेस्ट के, जो जो रॉ मटेरियल है उसके उत्पादन के लिए,
ताकि हम उसको मार्केट में बेचें और हमें पैसा मिले। इसके लिए इसको कमर्शियल फॉरेस्ट्री या प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री बोल सकते हैं। ये कल भी हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फॉरेस्ट में कि जो हम फॉरेस्ट यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं किस पर्पज़ के लिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जैसे टिम्बर हो गया, फ्यूल हो गया, फोडर हो गया, पल्प हो गया, प्लाईवुड हो गया, इन सब के लिए, तो ये कमर्शियल या प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है सोशल फॉरेस्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट वेयर द प्रोड्यूस यूटिलाइज बाय द नेबर सोसाइटी। क्या बोलेंगे, वेयर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूटिलाइज बाय द नेबरिंग सोसाइटी, नेबरिंग सोसाइटी जो उस फॉरेस्ट के पास में, ठीक है, मान लो ये आपका फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के पास में जो नेबरिंग सोसाइटी है वो इसका यूटिलाइज कर रही है, तो उसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोल देते हैं। और इस सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर कई सारी चीज़ें आती है, याद रखना, कई सारी चीज़ें आती है, जैसे फार्म फॉरेस्ट्री आपका इसी के अंदर आएगा, आपका जो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री इसी के अंदर आएगा। ये पूरा टॉपिक अलग से है, मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री। रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री इसी के अंदर आता है, ठीक है, आपका मनोरंजन वाला, ये सारा इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर। तो ये कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री दोनों को, तो वहाँ पर वो डिटेल में समझाऊंगा कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। मतलब कि यहाँ पर जो आसपास की जो सोसाइटी होती है, आसपास जो लोग रहते हैं उस फॉरेस्ट के आसपास, वो इसका यूटिलाइज करते हैं इसके प्रोडक्ट का, मतलब फ्यूल यूज़ करेंगे, लकड़ी यूज़ करेंगे, खोडर यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि इनकी जो लाइफ है, इसका जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो उन लोगों का बढ़ेगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट मैंने पढ़ाया था, कम्युनल फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट मतलब कि जो कम्युनिटी होती है, जैसे ट्राइबल हो गई, टाउन हो गई, विलेज कम्युनिटी हो गई, जो वेस्टलैंड होती है ना, जो पब्लिक या प्राइवेट पब्लिक लैंड होती है, पब्लिक भूमि होती है, सार्वजनिक मतलब सरकारी जो भूमि होती है, जो वेस्टलैंड बंजर भूमि होती है, वहाँ पर अगर फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलते हैं या कम्युनिटी फॉरेस्ट बोलते हैं। अर्बन फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अर्बन फॉरेस्ट आप सीधा से समझ लो कि मान लो कोई पब्लिक और प्राइवेट क्या है, लैंड है, भूमि है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट भूमि है, वहाँ पर अगर आप फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हो, तो उसको हम बोल देते हैं अर्बन फॉरेस्टिंग, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, आपने देखा होगा शहरों में इस तरीके से मकान बनते हैं ना, इस तरीके से मकान बनते हैं, ये कॉलोनी बनती है शहरों में, या बीच में क्या बना देते हैं, गार्डन। ये गार्डन क्या है, ये गार्डन क्या है, ये अर्बन फॉरेस्ट्री में ही आता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में एक सोसाइटी है, पूरी एक कॉलोनी है, और बीच में गार्डन बन जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट भूमि पर हो, या पब्लिक लैंड पर हो, सार्वजनिक भूमि पर हो, जैसे गवर्नमेंट बनाती है ना जगह जगह पर पार्क बना देती, गार्डन बना देती है सिटियों के अंदर, तो वो क्या आता है, अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। या फिर जो है लोग क्या बनाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनी डेवलप करते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग जो ठेकेदार होते हैं वो, और उसके बीच में गार्डन बनाते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, जो बेसिक चीज़ होती है ना वो बनाते हैं, तो जो गार्डन बनाते हैं तो वो प्राइवेट लैंड हो गई, तो वो किसके अंदर आता है, अर्बन जो है फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइजिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप अलोंग विद द एग्रीकल्चर क्रॉप, मतलब फॉरेस्ट प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप, इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसा समझ लेना। ट्री, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ट्री प्लस क्रॉप्स, ट्री प्लस, अरे राइटिंग गड़बड़ आ रही है, ट्री प्लस एग्रोनॉमिक क्रॉप्स, इसको बोलते हैं हम एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्रोफॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री इन दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, फादर कौन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, टर्म्स किसने दिया और क्या क्या इसके अंदर, और जो है सब जो है फॉरेस्ट्री इंक्लूड इनके अंदर होती हैं। क्लियर है बच्चा, तो आज ये जो लेक्चर था इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं इसका, ठीक है, कि आज हमने पढ़ाया कि फॉरेस्ट्री होता क्या है। फॉरेस्ट्री मतलब जिसमें एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं, देन उसकी हम क्या करते हैं, केयर करते हैं फॉरेस्ट की, उसको हमने फॉरेस्ट्री बोला, ठीक। देन हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की, टोटल 5 ब्रांच है, 6 भी बोल सकते हो, फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ मतलब कि जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है, एनवायरमेंटल एक्ट आता है, है ना, फॉरेस्ट जो है, स्टेट फॉरेस्ट एक्ट आते हैं, सारे एक्ट जो है इसी लॉ के अंदर आ जाएंगे। ये अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको सारे लॉ एक साथ फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। तो सिल्वीकल्चर एक ब्रांच है, फॉरेस्ट मेंशुरेशन एक ब्रांच है, सिल्वीकल्चर सिस्टम एक ब्रांच है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ब्रांच है, और यूटिलाइजेशन एक ब्रांच है।
सिल्वी कल्चर में बता चुका हूँ सिल्वी कल्चर क्या होता है। सिल्वी प्लस कल्चर लेटिन वर्ड है, फॉरेस्ट प्लस ग्रोइंग या डेवलपमेंट बोल सकते हो, तो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट को हम सिल्वी कल्चर बोलते हैं। थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम क्या करते हैं ट्री क्रॉप को लगाते हैं, डिफरेंट मेथड से ट्री क्रॉप को लगाते हैं और तब तक उसकी देखभाल करते हैं जब तक उसको हम हार्वेस्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। ये देन आता है फॉरेस्ट मैच्योरेशन। फॉरेस्ट मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो फॉरेस्ट इंडिविजुअल ट्री होता है या फॉरेस्ट क्रॉप होती है, इसका हाइट मेजर करना, इसका डायमीटर जो है चौड़ाई मेजर करना, इसकी लंबाई मेजर करना, इसका बेस की जो लंबाई वो मेजर करना, इसकी उम्र पता करना, इंक्रीमेंट पता करना, ये सारा किसके अंदर आता है, मैच्योरेशन के अंदर आता है, जो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। फिर आता है सिल्वी कल्चर सिस्टम। सिल्वी कल्चर सिस्टम का मतलब यही है कि जो आपने फॉरेस्ट डेवलप किया है उसकी अच्छे से केयर करना, देखभाल करना, देन उसको हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट करने के बाद फिर से रीजनरेशन करना, मतलब फिर से जहां आपने हार्वेस्ट किया वहां पर फिर से पेड़ पौधे लगाना, ये साइकिल चलता रहेगा। जैसे कि ये आप यहां पे पहले देखभाल कर रहे हो, फिर हार्वेस्ट कर रहे हो, फिर वापस से पेड़ पौधे लगा रहे हो, ये सिल्वी कल्चर सिस्टम है, ठीक है। देन मैनेजमेंट की बात करो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिक्वेंस टेक्निक एंड इकोनॉमिक टू फॉरेस्ट स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर रिजल्ट। आपको यहाँ पर हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट एक निश्चित रिजल्ट, एक सर्टेन डिजायर रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ पर अलग डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, जिससे हमारा क्या हो, जो इन्वायरमेंट हो, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हो, या जो हमारा सोशो इकोनॉमिक हो या सोशोलॉजी हो, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड हो, या जो हमारा कल्चरल जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो फुलफिल हो सके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का जो बेकार सा जो बहुत क्राउडिंग फॉरेस्ट था उसको हमने मैनेज किया, जिससे ये क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगी, मतलब आप जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हो, घूम सकते हो, एक रास्ता यहाँ पर निकल गया था कि यहाँ से दूसरी तरफ जा सकते हो, इस तरीके से मैनेज प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। यूटिलाइजेशन मतलब जो भी रॉ मटेरियल है, टिम्बर है, फ्यूल है, फोडर है, पल्प है, प्लाईवुड है, इन सब का आप यूटिलाइज कर सकते हो उस फॉरेस्ट से जो आपने डेवलप किया है, और ये सारी जो है इसकी टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री प्रोटेक्शन, कमर्शियल एंड प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें से प्रोटेक्शन फॉरेस्ट हमने पहले पढ़ा था, प्रोडक्शन फॉरेस्ट भी पढ़ा था, सोशो फॉरेस्ट्री थोड़ा सा मैंने बता दिया, आगे इसका एक प्रॉपर लेक्चर होगा बड़ा, कम्युनिटी फॉरेस्ट हमने पहले पढ़ा था, अर्बन फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ा था। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि जो पब्लिक और प्राइवेट लैंड होती है वहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलप करना, मतलब एक तरीके से गार्डन डेवलप करना, कहाँ पर, बीच में, बिल्कुल जो सिटी है, अर्बन एरिया है, वहाँ बीच में सेंटर में आप करते हो, गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट लैंड पर पार्क वगैरह बना देती है, और जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती है वहाँ पर जो है प्राइवेट लैंड पर भी डेवलप किया जाता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ट्री और एग्रीकल्चर क्रॉप दोनों एक साथ लेना क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, इसका भी एक अलग से लेक्चर हम लेंगे। तो सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री दोनों को एक साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अब बच्चा जो है कोर्स वोर्स की चिंता नहीं करना है, कब पूरा होगा ये मेरे हाथ में है, आपको टाइमली मैं कोर्स कवर करके दूंगा। मेहनत लगती है बच्चा, आप सोचो कि पीपीटी में बना के ले आऊँ तो वो मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। आप सोचो कि एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आप पीपीटी बना के आ जाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो, वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा सकता। मैं यही मेथड से पढ़ा सकता हूँ, और यही मेथड पढ़ाने के लिए पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, हैंड रिटन लिखता हूँ पहले खुद, ठीक है, खुद से कॉपी में लिखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फिर आप पढ़ता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, देन फिर वापस से नोट्स को टाइप करता हूँ, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, फिर आपको देता हूँ बच्चा, तभी इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको दे पाता हूँ। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही करना हो हवा में बातें, तो बहुत लोग आते हैं रोज़ दो दो चार चार पाँच पाँच वीडियो लेके आते हैं ये फलाना डिमका, तो मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोर्स टाइमली पूरा करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, बस मुझे मेरे अकॉर्डिंग मुझे चलने दे, एक दो दिन और रुको, उसके बाद मैं दो या तीन क्लास देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।